equal to x square y square dot dx. ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है. ओके, अब इसके अंदर हमें पहले करना क्या है, इसको हमें पहले जो फाइंड करना है, जवाब लग के निकाल के आना है. सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि एग्जैक्ट इक्वेशन है या कि एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है. अच्छा बेटा ये बताओ, सबसे पहले क्या करूँगा मैं? जी बोले, सबसे पहले क्या करूँगा मैं? जी, बोले बोले सर. हम देख लेंगे कि ये होमोजीनियस है या नहीं, अगर होमोजीनियस नहीं होगी तो फिर एग्जैक्ट है, तो उसके लिए कॉमन लेके देख लेंगे, अगर कॉमन नहीं आ रहा होगा कुछ भी. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. हमने क्या किया, एक्स डॉट डी वाई सही माइनस के वाई, ओके, उसके बाद डॉट डी एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स. यानी हमारे पास होना जो चाहिए एक्चुअल में वही होना चाहिए, एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इज इक्वल टू जीरो, यही होना चाहिए. ये क्या इसकी लॉजिक है, ऐसा है या नहीं है? ऐसे ही है ना, ऐसे ही है. तो हमारे पास एम डी एक्स, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन पहले आएगी, ये वाली इक्वेशन बाद में आएगी. तो हमने क्या किया, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, हमने लिखा यहाँ पर वाई, यहाँ पर लिखा प्लस, यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा वाई स्क्वायर, यहाँ यहाँ पे लगाया कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे लगाया एक्स, ठीक है बेटा. उसके बाद हो गया प्लस के एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है. अब ये वाली पूरी इक्वेशन क्या हो गई, एम, और ये वाली पूरी इक्वेशन क्या हो गई, एम. अब आपने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है, तो ये चेक करना है. चेक करने के लिए हम क्या लिखते हैं, डावा एम अपॉन डावा वाई इक्वल टू डावा एन अपॉन डावा एक्स. अब बताओ मैं क्या लिखूँ, डावा एम क्या है हमारे पास, ये वाली पूरी की पूरी की वैल्यू. ओके, जब पूरी की पूरी वैल्यू है हमारे पास, हमने क्या किया, इसको हमने लिखा डावा अपॉन डावा वाई और लिखा हमने ब्रैकेट में वाई और लिखा प्लस, फिर लिखा हमने एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लिखा हमने वाई स्क्वायर सही है, इज इक्वल टू डावा एन. एन क्या है हमारे पास, एक्स है. हमने यहाँ पे क्या लिखा, डावा एक्स अपॉन डावा के एक्स, ओके, ये हमारे पास वैल्यू है. तो अब आप ये बताइए मुझे कि हमारे पास रिजल्ट क्या आया इसका. जी बोलिए, इसका रिजल्ट क्या आया. तो हम डावा वाई अपॉन डावा वाई प्लस ये जीरो हो जाएगा, सॉरी वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर, पूरा जीरो हो जाएगा प्लस डावा अपॉन डावा वाई, ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डावा एक्स अपॉन डावा एक्स. अच्छा ये हमारे पे वैल्यू हो गई वन, ये वाली वैल्यू हो गई जीरो, ये वैल्यू हो गई टू वाई. वन प्लस टू वाई इज इक्वल टू डावा एक्स अपॉन डावा एक्स, तो ये हो गया वन. तो हमारे पास क्या ये एग्जैक्ट है बताइए ज़रा, ये एग्जैक्ट है हमारे पास, ये एग्जैक्ट नहीं है, इट इज नॉट एग्जैक्ट. याद है लिखने आप पहले, बेटा याद है लिखने पहले. सर ये पूरा वाला दोबारा से बताएगा स्टेप, मैं दोबारा समझा दूंगा, लिख लिख दीजिए पूरा, जीरो समझा दूंगा जीरो.
लिख लिया ठीक है, सबने लिख लिया। अरे एक मिनट सर, ये यहाँ जो चेक जहाँ से आपने किए हैं ना, वहाँ से बताएं जब तुम दोबारा से जीरो से जाते हो। जीरो से उसने एक्सरसाइज 9.5 का सवाल 9.4 दे दिया ना। सॉरी 9.5 का जवाब 9.4 में दे दिया है। सर लिख लिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन तो पहले ये है कि हमारे पास ये सवाल लिखा हुआ है y x dy माइनस के y dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स। हम एक्सरसाइज पढ़ा 9.4, एक्सरसाइज का नाम है हमारे पास 9.4 एक्सरसाइज है एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक है, ये अच्छा हमारे हमें करना क्या है कि इसको चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है भी कि नहीं। अब हमने क्या किया, एक्स आपकी आवाज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। नहीं कह रहा हूँ आपके पास, हमने क्या किया एक्स डॉट डी वाई ये सारे के सारी वैल्यूज एक तरफ लिया है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स भी अब यहाँ पर लिया है। ये हमारे पास प्लस का था, जब यहाँ आ गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, ओके अब ये वैल्यू भी यहाँ पर आ गई। ये यहाँ पर वैल्यू आ गई तो हमने क्या किया यहाँ पर, जी हमारे पास जब वैल्यू यहाँ पर आ गई तो हमने क्या किया यहाँ पर कि आपके पास डी एक्स वाले डी एक्स वालों को एक तरफ कर लिया और डी वाई वालों को एक तरफ कर लिया। तो हमारे पास डी एक्स वाले क्या हैं, वो ये वाले। तो हमने क्या किया, माइनस को कॉमन निकाला, यहाँ पर वाई आ गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, यहाँ पर डॉट डी एक्स यहाँ पर आ गया, प्लस एक्स डॉट डी वाई यहाँ पर। इस पूरी वैल्यू को हमने एम कह दिया, एम डी एक्स को आपको वाई कह दिया। अच्छा जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, हमारे पास डावा एम अपॉन डावा वाई, एम को डिफ्रेंशिएट वाई के हिसाब से कर लिया, हो गया ये एक्स प्लस के वाई प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। इसको जब डिफ्रेंशिएट किया हमने तो हमारे पास क्या जवाब आया, हमारे पास जवाब आया हमने डिफ्रेंशिएट किया हमारे पास क्या जवाब आया, वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी वाई हो गया 1, डी एक्स स्क्वायर 0 हो गया और डी वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू हो गई 2y, इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 2y। सही है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी एक्स हो गया 1। तो हमारे पास ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, इक्वेशन क्या है हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है बेटा, ये इक्वल टू क्या, डी एन ओवर डी एक्स या डी एक्स ओवर डी एक्स है, डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये डावा अपॉन डावा एक्स है, यानी डावा है। मैं दोबारा साथ में लिख दूँ, देखिए ये लिखा हुआ है डावा वाई अपॉन डावा वाई प्लस के डावा एक्स स्क्वायर अपॉन डावा वाई प्लस के डावा वाई स्क्वायर अपॉन डावा वाई। ये तो जीरो हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2y इज इक्वल टू डावा एक्स अपॉन डावा के एक्स, ये वैल्यू हो गई 1। तो हमारे पास जवाब क्या हुआ, 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 1। बताइए एग्जैक्ट है या नॉट एग्जैक्ट है, नॉन एग्जैक्ट सर। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ, ओके तो ये आपने लिख लिया, ठीक है सही है।
अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसको मिटाना चाह रहा हूँ, मिटाने के बाद सोल्यूशन निकालेंगे हम इसको। असल में इन्होंने क्या किया है, बुक बुक में चला कि ये किए कि 9.5 का क्वेश्चन उठा के 9.4 भी डाल दिया, ठीक है, 9.5 का क्वेश्चन उठा के 9.4 भी डाल दिया। मैं करवा दूँ, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम उसको चेक कर रहे हैं कि हमारे पास यूँ करें तो करें क्या। अच्छा, मैं फॉर द वेरी वेरी सेफ साइड मैंने बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास ये वाली क्वेश्चन जो है, मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि आप ये बताइए मुझे कौन सा ऐसा फार्मूला है, कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसके अंदर हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ रही होती है। तो हमारे पास एक ही फार्मूला है हमारे पास जिसके अंदर इस तरह की कंडीशन जो है वो आ रही होती है, वो यू अपॉन वी को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं होता है वी यू डैश माइनस वी यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। ऐसा होता है, नहीं होता बताओ मुझे, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो अगर आप ये देखिए कि हमारे पास अगर हम वी को मान लें एक्स और यू को मान लें वाई और डैश जो है डेरिवेटिव है, हमारे यू को मान लें ये देखें वाई और वी को मान लें एक्स, उसका मतलब ये कि आधा फॉर्मूला इन्होंने सही लिखा है मगर उसके नीचे वाला पार्ट नहीं लिखा। नीचे वाला पार्ट क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए नीचे वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको फॉर्मूले को लिखूँ एक्स और वाई के हिसाब से, तो मैं लिखूँगा डी अपॉन डी एक्स और मैं लिखूंगा y अपॉन x। बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, v u डैश ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा v u डैश माइनस के u डैश ऐसे ही होगा अपॉन v स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। अब बताइए कि ये फॉर्मूला ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है मगर जो मैच नहीं कर रहा वो ये है, ये हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है, हमारे पास क्या है कि एक्स्ट्रा है, ऐसे ही है। अच्छा, अब हमने क्या किया, ये एक्स्ट्रा वैल्यू को उठाकर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, हमने क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बोथ साइड्स। सर चूंकि ये नीचे वाले जो एक्स स्क्वायर आ रहा है वो तो फॉर्मूले का है, दोनों साइड से डिवाइड कर देंगे वो कम हो जाएगा। हाँ, हमने अभी मल्टी से लगा दिया। अब हमने किया क्या, ये फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया यानी कि एक्स डॉट डी वाई माइनस के वाई डॉट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, अपनी मर्जी से लगाया। इसको बैलेंस करने के लिए दोबारा हमने यहाँ पे लगाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सही है, और यहाँ पे आके डॉट डी एक्स, ठीक है बेटा, ओके। अब बताओ ये वाली जो इक्वेशन है पूरी की पूरी इक्वेशन, ये बताओ ये है क्या जी बेटा, ये बताओ ये पूरी इक्वेशन है क्या, ये पूरी इक्वेशन जो है हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन डी एक्स वाई अपॉन एक्स। इसकी जगह पर अगर मैं ये लिखूँ तो मतलब किसी को,
बोलिए इसकी जगह मैं ये लिख दूँ, कोई मसला किसी को? कोई मसला नहीं। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने ये किया कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बनाया और यहाँ पर लिख दिया डॉट डी एक्स। ठीक है बेटा, ये किसी जगह पे आया है? इसकी जगह पे आया है। ये किसी जगह पे आया है? ये इसकी जगह पे आया है। तो अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, मैंने लगाया है यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ, हाँ अब हमने क्या लगाया, हमने लगाया डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या कट जाएगा? वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप लिख लो, कि मैं आगे बता रहा हूँ करना क्या है। लिख लो बेटा बच्चा, ये ऊपर वाले स्टेप एक बार दोबारा बता दीजिए। मैं दोबारा बता दूँ, वैसे तो कह रहा हूँ लेकिन मुझे पता है तुम लोग इधर उधर हो गए। का डी एक्स हटाया है, मैं उसकी वजह बताऊंगा मैंने नीचे का डी एक्स हटाया क्यों। बेटा लिख लिया, अरे एक मिनट लिखते हैं। सर एक मिनट होते रहेगा।
अच्छा लिखिए। अच्छा बेटा हम कर क्या रहे हैं, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको ताकि आपके दिमाग में आ जाए, ये बात हजम नहीं हुई होगी। इसमें हमने क्या किया, एक सवाल था, इस सवाल के अंदर क्या है एक्स डॉट डी वाई माइनस वाई डॉट डी एक्स। इस सवाल के अंदर आपको ये बताया गया है कि आधा फॉर्मूला लिख दिया उन्होंने और आधा जो है नहीं लिखा है, इस वजह से और सवाल भी बना दिया इन्होंने। और पहली बात ये कि सवाल इक्वेशन का एक्सरसाइज का है ही नहीं, एक्सरसाइज 9.5 का है। ये तो समझ आ गया सर, जब आपने दोनों साइड से डिवाइड कर दिया वन पॉइंट एस पर, तो मैं बता रहा हूँ। अब हमने क्या किया कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ यू अपॉन वी का, अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ यू अपॉन वी का तो जवाब आएगा वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। सही, इसमें जो चीज़ कम है सवाल के अंदर वो एक्स स्क्वायर कम है। सही, इसमें क्या एक्स स्क्वायर कम है हमारे पास, हमने क्या किया अपनी मर्जी से एक्स स्क्वायर लगा देंगे, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ लगाएंगे हमने जैसे ताकि खत्म हो जाए। बिल्कुल सही है, हमने दोनों तरफ एक्स स्क्वायर लगाया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर लगाया। अब इसका डेरिवेटिव यू वाई अपॉन एक्स का डेरिवेटिव वो ये है, इसके अपॉन वाले जो वैल्यू है वो डी वाई और अपॉन वैल्यू वैल्यू डी एक्स जो है अपन यहाँ मौजूद है, हम दोबारा यहाँ नहीं लिख सकते डेरिवेटिव के अंदर। मैं ये वो बताऊँगा ये कैसे करते हैं। सही है, अभी अभी समझे सिर्फ डी लिखना है यहाँ पर, कुछ भी लिखना है डेरिवेटिव को वाई अपॉन एक्स का ये डेरिवेटिव मौजूद है, डेरिवेटिव ऑफ वाई अपॉन एक्स जवाब की मौजूद है। ठीक है बेटा, अब हमने क्या कि मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके इक्वेशन वाली थी आगे वैल्यू आ गई। अब आप ये देखिए कि हमारे पास ये ऑपरेटर है, ये हमारे पास क्या है ऑपरेटर है, मिसाल के तौर पे ये ऐसा ही है कि अगर मैं यहाँ लिखूँ डी थीटा और यहाँ पे लिखूँ वन अपॉन कॉस थीटा, तो ये देखिए ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो इंटीग्रेट हम तो कर सकते हैं। अब ये देखिए कि हमारे पास जो फंक्शन है वो वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है और उसका ऑपरेटर भी बराबर लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए ये हमारे पास क्या है सवाल है और उसका ऑपरेटर हमारे साथ लिखा हुआ है। दूसरी एग्जांपल हम समझ लें ऐसे, अगर लिखा हुआ है यहाँ पे वन अपॉन वन प्लस साई स्क्वायर, सही है, और हमने यहाँ पे डेरिवेटिव में भी साई लगा लिखा हुआ है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी वो चीज़ मौजूद है, यहाँ पर भी वो चीज़ मौजूद है, तो हम क्यों ना एक ही वक्त में इन दोनों को मिला के सॉल्व कर दें। तो हमने क्या किया ये मल्टीप्लाई में था हमारे यहाँ के डिवाइड में हो गया, तो हमने लिखा वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बनाया हमने ब्रैकेट और यहाँ पर लिखा यही, यहाँ लिखा डी वाई अपॉन एक्स और यहाँ पर सिर्फ हमने छोड़ दिया डी एक्स को। अब ये बताइए इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है या नहीं, मौजूद है ना, अब इसको इससे हम काम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास इसको अगर हम अरेंज करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो फार्मूला ये है कि डी बॉक्स अपॉन बॉक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रल होगा क्या, इसका इंटीग्रल हो गया टेन इनवर्स बॉक्स अपॉन ए वन अपॉन बॉक्स डैश वन अपॉन ए प्लस ऑफ सी होगा या नहीं होगा। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा दें तो जवाब आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब ये दो लाइनें भी लिख दो ताकि मैं मिट्टी वाली जगह मिटा दूँ। लिख लिया अभी उन्होंने, सर मिटाते हैं वाली साइड पहले।
अच्छा बेटा, अब हमें नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, हमें करना क्या है, इस वाली वैल्यू को यहाँ अप्लाई करना है। तो हमने लिखा यहाँ पर आपके पास, इसको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ आपको। आपने लगाया है यहाँ पर इंटीग्रल, यहाँ पर आपने लगाया डी बॉक्स, सही है। डी बॉक्स के अंदर क्या है, डी के बॉक्स के अंदर क्या है, वाई अपॉन एक्स, ये बॉक्स के अंदर, ओके। यहाँ पर हो गया बॉक्स का स्क्वायर, वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस के वन, सही है, इज इक्वल टू डी एक्स इंटीग्रल। अब इसका क्या मौजूद है हमारे पास, हम लिखेंगे टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इंटू, हाँ, वाई अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन बॉक्स डैश, सही है, वन अपॉन बॉक्स डैश, वन अपॉन ऑपरेटर भी यही है, डेरिवेटिव भी इसका है, तो ये हमारे पास वन हो जाएगा ये, सही, इंटू वन अपॉन वन, क्योंकि इसका हमें जो है डेरिवेटिव बताना है, तो ये वन अपॉन वन हो जाएगा, वन अपॉन वन इज इक्वल टू ये कट गया इसके साथ, ओके। और हमारे पास जवाब आया एक्स प्लस ऑफ सी, ठीक है बेटा, ये आपका जवाब आया। एक okay. बार दोबारा बता दीजिए, हाँ क्या देखिए, ये हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल x का स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे क्या है dx लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे क्या, क्या इनवर्स x लिखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ लिखा हुआ है z स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है dz, तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्या इनवर्स z लिखेंगे हमारे पास, अगर यहाँ लिखा हुआ है आपका मोशन लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है डी मोशन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, मोशन लिखेंगे ना, ऐसे ही होगा ना, तो वहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ सिमिलर होनी चाहिए, बिल्कुल सिमिलर है ऑलरेडी हमारे पास, तो हमारे पास जवाब आएगा ऑपरेटर और ये सिमिलर होगा, हाँ बिल्कुल सिमिलर जरूरी है ना, उससे पता चलेगी, ये हो गया टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ सी, बता दूं कैसे बिठा, बाकी लोगों ने लिया
अच्छा भाई, हमारे पास इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 10। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये 2x cos of y प्लस x स्क्वायर y बाहर लॉग dx, ठीक है बेटा, प्लस x माइनस x स्क्वायर साइन ऑफ y माइनस के y और ये बाहर हो गया dy, और उसके बाद लिखा हुआ है y ऑफ जीरो इक्वल टू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी हमें साथ बता दिए, तो मतलब आप c नहीं लिखेंगे, आप c की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा बेटा आप बताओ m क्या हो गया, अच्छा बताओ n n क्या हो गया, n हो गया जी। आपने क्या करना है, डावा m अपॉन डावा x, जवाब क्या आएगा 2x, जब हम x के हिसाब से करेंगे, देखें इसको बाहर निकाल दें, 2 cos y dou x upon dou x प्लस 3 y बाहर निकाल दें dou upon dou x और यहाँ पे लगा दें x स्क्वायर। बेटा आगे बोलो, ऐसी तरह इसमें x क्यूब आ गया dou upon dou y, यहाँ कोई y की वैल्यू है ही नहीं, माइनस x स्क्वायर बाहर आ गया, निकाल लेंगे डावा ओवर डावा साइन में साइन ऑफ y माइनस ये वैसे लिखते हैं डावा y अपॉन डावा, बेटा जवाब बताओ y टू y, इसकी वैल्यू हो गई 1, ठीक है इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ये हुआ हमारे पास 2 cos ऑफ y प्लस के e टू द 6 एक्स वाई इज इक्वल टू ये हो गया 0। सही है बेटा, ये हो गया हमारे पास माइनस के, सवाल सही है। तो हमारे पास साइन वाई को हमने क्या किया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और वाई, साइन का जो हमारे पास डेरिवेटिव हो गया वो हो गया कॉस, साइन का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन के डेरिवेटिव हो गए, बल्कि ये हो जाएगा ना, माइनस को भारी रखते थे साइन का डेरिवेटिव ले लेते पहले, साइन वाई का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास। सवाल तो बहुत कुछ है, 2x cos ऑफ y, 2x cos ऑफ y सही का प्लस 3x स्क्वायर y सही का, उसके बाद देखा x क्यूब सही का, अरे बेटा गलत कर दिया ना हमने, ये होगा वाई के हिसाब से, ये होगा एक्स के हिसाब से, अरे यार ये तो बोलो गलती कहाँ हो गई उससे, ये है एम डी एक्स है, तो ये एम होगा वाई के हिसाब से, अभी तो कह रहा हूँ गलती कहाँ होगी, रोजा भी आप के चल रहा है ना, दिमाग ये तो सुनता हो गया, बताएंगे क्या लिखूंगा आप जी बेटा, तो यहाँ पे y की इक्वेशन एक तक आएंगे m dy, ये y होगा और यहाँ पे क्या होगा x होगा, ये x सही आने का, जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमने किया वो भी ऐसे किया तो वो भी गलत हो गया, नहीं नहीं वो सही किया था, इसमें सर ने y को एम डी एक्स है ना बेटा, एम डी एक्स तो मैंने यहाँ डी एक्स लिख दिया था, हालांकि जब उसको मैच कर देना तो डी वाई के हिसाब से मैच करता, बताया होगा कि m को जज करेगा y और n को जज करेगा x, बताया तो था मैंने बेटा, मैं
दिमाग मेरा जो है ना वो ऐसे ही हो गया, ख़राब हो गया। तो अब मैंने क्या किया कि 2x को बाहर देखा, डावा अपॉन डावा वाई को अंदर देखा, कॉस ऑफ वाई को मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस आपके पास दूसरा क्या हुआ, 3x² को मैंने बाहर कर दिया, डावा वाई अपॉन डावा वाई को आपने अंदर कर दिया, इज इक्वल टू, अब बताओ बेटा क्या हुआ यहाँ पे, डावा अपॉन डावा एक्स एक्स को यहाँ लिख दिया मैंने, और साइन वाई को उठा के बाहर लिख दिया, डावा अपॉन डावा एक्स को हम मिलेगा यहाँ पर, अरे x² माइनस के वाई डावा अपॉन डावा एक्स, ये हो गया 0। ठीक है, अब बताओ कि कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, माइनस 2x साइन ऑफ वाई प्लस ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस के 3x² आगे बोलो बेटा, 3x² ये कितना हो जाएगा, माइनस के 2x साइन वाई माइनस के 0, ये दोनों बराबर है हमारे पास, तो इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, अभी लिख लो, जी सर लिख लिया। हाँ, अब इस तरह से जवाब ही लिखना है, जवाब सर एक्सरसाइज खत्म, सी की वैल्यू भी निकालनी क्योंकि इंग्लिश में प्रॉब्लम दी गई है, तो आपने लिखेंगे यहाँ पर एम डी एक्स, एम क्या है हमारे पास, एम एट 2x cos ऑफ y प्लस के 3x² y, सही है, और यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट, यहाँ लगाएंगे डी एक्स। ठीक है बेटा, बताओ क्या आएगा इसका जवाब, इसको हमने कर दिया कॉस ऑफ वाई, टू भी बाहर आ गया, एक्स भी यहाँ पे आ गया, डी एक्स भी यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पर आ गया, प्लस आपने लिखा 3y इंटीग्रल x² डॉट डी एक्स, जवाब बोलो क्या आएगा, ये आएगा 2 cos y into x square upon 2 plus 3 y x x cube upon 3 plus c 1 3 3 से कट गया 2 2 से कट गया, तो आपका जवाब आया cos ऑफ y, यहाँ लगा दें आप x², यहाँ लगा दें प्लस, यहाँ लगा दें आपके पास 3x³ y प्लस c 1। ठीक है बेटा, यहाँ तक कर ले, मिटाना पड़ेगा आज कौन सा रोज आए, आज कौन सा रोज आए कुछ पता है, जल्दी ऐसी हालत हो गई, चले आगे।
यस सर
कैपिटल लिख दो, यहीं पे एंड करते हैं क्या? मैं दूसरी क्लास से हाँ अभी अटेंडेंस में लगाऊंगा अभी आपकी, और फिर आप 5 जीत पे आ जाइएगा। आखिरी डेज के अंदर बेटा आप लोगों का तो दिमाग चलेगा ही नहीं बिल्कुल। सर मिस्टर जबरदस्ती करा सकते हैं क्यों? वजह पता ही नहीं चला था, मैंने 4 बजे की क्लास दिखती कल। अच्छा एक कॉपी तो कर लो, मैं अटेंडेंस के लिए ऑन करता हूँ पूरी क्लास। सर ये कर लिया कॉपी। ठीक है बेटा कर लिया सर ये कॉपी। सर ये जो काम है ये अभी अभी और कंटिन्यू चलेगी क्लास ये भी? आप आएंगे 5:20 पे आएंगे मेरे पास क्लास। ओके ओके मैं भी अटेंडेंस लाइव कर रहा हूँ, अटेंडेंस को लाइव करने के बाद बेटा समय लिख दिया ना ये, मैं हटा रहा हूँ इसको। जी सर मैं अटेंडेंस को भी लाइव कर रहा हूँ, और लाइव करने आप अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, फिर आप आइएगा 5:20 मिनट। ठीक है बेटा अटेंडेंस लगा दीजिएगा। हाँ बस बिल्कुल सही। ना मैं अटेंडेंस जो है डायरेक्ट ईआरपी पे लगा दूं, ज्यादा बेहतर नहीं है? मर्जी है सर आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, ज़रा लाउड बोलिए। सलमान की हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। साइज है 9.5। हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.5, और इसके अंदर जो है टॉपिक का नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
के टॉपिक का नाम है। इस टॉपिक के अंदर हमारे पास फार्मूलाज हैं, इसके अंदर रूल्स हैं। इस रूल के अंदर है कि हमारे पास ठीक है, पहली बात तो ये आप ये चेक करते हैं कि ये है कि या नहीं है, ऐसे इस टाइप में होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप ये एग्जैक्ट ना हो, यानी कि डावा एम अपॉन डावा वाई डजन इक्वल टू डावा एन अपॉन डावा एक्स, सही है? पहला तो बात यही है। दूसरी बात आप ये कह रहे होते हैं। अच्छा, इसका रूल नंबर वन जो है हमारे पास क्या है, वो है एम वाई माइनस के एन एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ये रूल नंबर वन है, सही है? उसके बाद क्या है, एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एम इज इक्वल टू यू ऑफ वाई, ये है रूल नंबर टू, ठीक है बेटा। तीसरा क्या है हमारे पास, ये है, इसमें क्या है हमारे पास, इफ इफ एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इज इक्वल टू जीरो, होमोजीनियस इक्वेशन, सही है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का क्या होगा, वन अपॉन एक्स एम माइनस के वाई एम, सही? ओके, यहाँ पर रूल नंबर क्या है, थ्री हो गया। अच्छा, रूल नंबर फोर भी है, हम पहले या दूसरे रूल पे काम करेंगे, इसको हम आगे डिटेल में नहीं लेके जाएंगे। अच्छा बेटा, अब हमारे पास क्या है चौथा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वन अपॉन एक्स ऑफ एन वाई ऑफ एन, एम ऑफ वाई इज इक्वल टू डावा एम अपॉन डावा वाई, ठीक है बेटा, ये आपको लिख लीजिए पहले बेटा, उसको लिख लें पहले, ठीक है बच्चे, आप लोगों ने
एक ही सवाल करवाऊंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे, ठीक है बेटा? अच्छा नवान, आप लोगों ने बेटा नात वगैरह नहीं भेजी मुझे? नुमान, अब आप लोग तो जाहिर सी बात है इस्लामिक लोग हैं आप, मैं तो समझ रहा था कि आप लोग भेजेंगे नात है। अगर कोई फैमिली से मसला नहीं है, फैमिली से प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे ख्याल से भेजना चाहिए। एक तो रमज़ान है, ऊपर से सवाब है, दुनिया और आखरत दोनों। पश्तो में पढ़ दें भले, कोई मसला थोड़ी है, हैं? कोई बात नहीं, आप कोशिश तो करें इसके पश्तो में पढ़ दें, ये तो सवाब है भाई आपका। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कितनी मोहब्बत करते थे आप बता दें। पश्तो में आ जाए, एक नात पश्तो में हो जाए, आपकी पश्तो भी अच्छी है आपकी। सलमान को भी बोले, और आप दूसरा जो बच्चा है उसका क्या नाम है आपके साथ, एक और भी तो होता है, हाँ हाँ वो भी बहुत अच्छा है, हाँ उसको फिर बोले, हाँ हाँ पश्तो में भेजें उसको। और देखें ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो मेरे ख्याल से बुनियादी जो है वो है हमारा, मेरे ख्याल से तो मैं तो यही समझता हूँ। अब यही है कि वो तो देखें वो वाली बात है, मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप जो है मोहब्बत के अंदर कुछ ऐसा कर जाएं वो कर जाएं, मगर ये कि आप उनकी जो खूबियाँ हैं उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, नात के अंदर तो यही होता है और कुछ भी नहीं होता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ बताई जाती हैं और कुछ, मैं किसी डिबेट में नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं तो ये जाना चाह रहा हूँ कि जो लोग समझते हैं तो वो वाली बात है। और हमारे नबी क्या तारीफ के लायक नहीं है, आप ही बताएँ, मेरे ख्याल से तो तारीफ के लायक हैं बस मेरे। हाँ यही बात है हमारे, हम तो सूरज को हम जो है वो चराग भी नहीं दिखा रहे हैं, हम सूरज को जो है माचिस भी नहीं दिखा रहे हैं, वो वाली बात है। मैं तो ये समझता हूँ, मेरा तो गला ख़राब है। हाँ नहीं, मैं नुमान को इससे कह रहा हूँ कि नुमान की देखें आवाज़, एक तो पश्तो में एक मैं वो वाली बात है कि पश्तो मैंने बहुत कम नाते सुनी है, सही है तो, मगर ये कि नुमान की आवाज़ बनी हुई है। मैं खुद पठान हूँ, मेरी आवाज़ जो है देखें, मेरी आवाज़ देखें फट रही है, मेरी आवाज़ सही नहीं है, मगर नुमान की आवाज़ माशाल्लाह जो है वो बनी हुई आवाज़ है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि नुमान के दोस्त हैं, हाँ अच्छा हो जाएगा, क्यों नहीं, मैं तो यही कहूँगा, चाय करें इंशाल्लाह। और नुमान है, नुमान के तो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी हैं। अच्छा बेटा, हम टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 9.5 है और टॉपिक का नाम है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IF, ये हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कह रहे होते हैं। अच्छा जो पहला सवाल है एक्सरसाइज का वो ये है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस के वाई डॉट डी एक्स और माइनस के एक्स डी वाई। जी बेटा चेक करेंगे इसको, चेक करने के बाद बताएंगे कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। ये वाली वैल्यू क्या हो गई, एम हो गई, और ये वाली वैल्यू क्या हो गई, एन हो गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, डावा एन अपॉन डावा एक्स। जी बेटा अब बोलो आप, बोलो बेटा, अब बेटा जवाब बताओ क्या आ रहा है y के हिसाब से। यहाँ पर 2xy प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस 1, यही होगा ना, एग्जैक्ट है ये, ऐसा ही है। सही है, हाँ तो मैं ये तो कह रहा हूँ एग्जैक्ट नहीं है भाई, तो
हम कहेंगे कि इट्स एन इंडिकेटिंग फैक्टर, इट इज एन आई एफ के माने क्या है, एम एक्स माइनस एम वाई, इसका रूल नंबर वन क्या है, हम रूल नंबर वन अप्लाई कर रहे हैं इससे। ठीक है, बुक वाले ऐसी बुक लिखते हैं कि बच्चा जो है पहले सवाल करने का भाग जाए। सही है, तो इन्होंने जानबूझ के मुश्किल सवाल पहले ही दे दिया उठा के। अच्छा, वो ये है कि हमारे पास रूल नंबर वन है एम वाई माइनस के एन एक्स अपॉन एन। देखें, जो बात जो माइनस के बाद लिखा होता है ना वही नीचे आता है, जो माइनस के बाद लिखा हुआ होता है, माइनस के बाद लिखा हुआ है एन, वही नीचे आता है। सही है, तो ये आपको जो है लिखना ज़रूरी है, और इज इक्वल टू होता है ये पी ऑफ एक्स। सही है, ये इज इक्वल टू होता है पी ऑफ एक्स। अच्छा बेटा, अब हम इसको जा रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ एम वाई के माने ये होते हैं कि आप विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको कैलकुलेट करके देखें, विद रिस्पेक्ट टू वाई हम उसको कैलकुलेट करके देखें, तो आपके पास क्या है, ये देखिए ये एम ऑफ वाई ही है, एम ऑफ वाई क्या आ रहा है, ये आ रहा है, एम ऑफ वाई क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है, एम ऑफ एक्स क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है, और एन क्या आ रहा है हमारे पास, एन हमारे पास आ रहा है माइनस के एक्स। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ रख के देखते हैं, 2xy प्लस ऑफ वन, ठीक है, इसका माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो गया माइनस के x। अच्छा, इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स कहता है कि आपके पास यहाँ पर सब x होने ही चाहिए। ये क्या कह रहा है, यहाँ सारे के सारे x होने चाहिए, यहाँ सारे के सारे x हैं, ये बताइए यहाँ पर सारे के सारे एक्स हैं या नहीं है, 100% एक्स हैं जी। ये बताइए बॉयज हॉस्टल में अगर आप किसी एक लड़की को एडमिशन दे दें तो बताइए क्या बॉयज हॉस्टल होगा, जी बताइए बॉयज हॉस्टल होगा वो, अगर किसी बॉयज हॉस्टल में आप किसी एक लड़की को एडमिशन दे दें तो बॉयज हॉस्टल होगा वो, हाँ या ना? ना, नहीं होगा वो, नहीं होगा। देखें y मौजूद है यहाँ पे, ये p of x नहीं है, ये p of x नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि रूल वन फेल। अच्छा, अब रूल टू क्या है, रूल टू हमारे पास कहता ये है, ये है हमारे पास एन ऑफ एक्स माइनस के एम ऑफ आई डिवाइडेड बाई एम। अब मेरा बेटा बताओ एन के माने क्या हुए हमारे पास कि हम विद रिस्पेक्ट टू, पहली बात ही बताओ एन है क्या, एन है कि मैं पहले अलग करके दिखा दूं कि एन ऑफ एक्स निकालते कैसे। एन ऑफ एक्स के माने ये हुए, पहले लिखना है आपको एन, एन क्या है हमारे पास माइनस के एक्स, और आपके पास ये वाला x क्या है, डावा अपॉन डावा x, जवाब बेटा बताओ क्या आएगा, माइनस वन। उसके बाद आप बताओ माइनस के m ऑफ y, अब m ऑफ y बताओ क्या लिखूँ, मैं लिखूँगा m ऑफ y, तो m ऑफ y के माने क्या हुए बोलिए ज़रा, कि आपने क्या किया, डावा अपॉन डावा y x y स्क्वायर प्लस के y, यही हुआ नहीं हुआ, ऐसे ही हुआ ना, जब आप बताइए क्या हुआ, ये हुआ विद रिस्पेक्ट टू वाई चाहिए हमें, और हमने एक्स को उठा के बाहर फेंक दिया, ये हो गया एक्स टू वाई प्लस के वन। ओके बेटा, आपको एक्स टू वाई प्लस के वन। अच्छा, उसके बाद जो नीचे वाली वैल्यू है वो है एम, वो है एम, एम बताओ है क्या हमारे पास, यही है। ओके, अब हमने क्या किया, एम ऑफ वाई हमने लिखा यहाँ पर, पहले लिखा एन ऑफ एक्स लिखा, यानी लिखा माइनस वन, फिर लिखा माइनस, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई, यानी कि x टू एक्स वाई प्लस के वन। उसके बाद हो गया हमारे पास m, m के अंदर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है x y स्क्वायर प्लस के वाई, ऐसा है या नहीं, ऐसे ही है ना बेटा, ऐसे ही है ना हमारे पास। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली टर्म मिटा रहा हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए।
पहले ही सवाल इन्होंने जो है आखिरी सवाल को पहला सवाल कर दिया है। अच्छा बेटा, अब हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करना है रूल टू को, तो हमने लिखा यहाँ पर क्यू ऑफ वाई, सही है। रूल टू के अंदर पहले वाले में पी ऑफ एक्स था, दूसरे में आता है क्यू ऑफ वाई। क्यू ऑफ वाई के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है माइनस प्लस, बेटा माइनस है ना ये वाला माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस ही हो जाएगा, ये वाला माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, ये वाला माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस वन हो जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो होगी माइनस वन, ठीक है। जब ये माइनस जब पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, माइनस वन होगा या नहीं होगा, तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू, क्योंकि अब माइनस के टू एक्स वाई, फिर आपके पास हो गया यहाँ पर एक्स, यहाँ पर हो गया यहाँ पर वाई एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है हमारे पास, नीचे वाली वैल्यू क्या है आपके पास है एक्स वाई स्क्वायर, बिल्कुल सही है हमारे पास, और प्लस के बाद प्लस के वाई। अच्छा एम के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से वाई कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर आया एक्स वाई प्लस के वाई, ऊपर से भी कॉमन ले लिया हमने, माइनस के टू, बचा गया एक्स वाई प्लस के वन, नीचे क्या है वाई एक्स वाई प्लस के वन, ये पूरी वैल्यू वन हो गई, जवाब आया माइनस के टू अपॉन वाई, यहाँ पे है क्यू ऑफ वाई। अब बताओ कि यहाँ पर वाई, ये कहता है कि सिर्फ वाई ही होना चाहिए, यहाँ पे सारा का सारा वाई है या नहीं है, सही है, इसका मतलब रूल टू वैलिड है, इसको हम लिखते हैं रूल टू वैलिड, सही है, आप लिख देंगे यहाँ पे रूल टू वैलिड। बेटा आप यहाँ तक लिख लो उसको फटाफट, फिर हम आगे जा रहे हैं। लिख लिया सारों ने, हेलो बेटा लिख लिया हो तो फिर आगे चलें। ओके जबरदस्त, नहीं करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान से लॉजिक है कि अब हमारे पास जो वैल्यू आई है क्यू अपॉन वाई को, सही है,
तो माइनस के टू अपॉन वाई, तो माइनस के टू अपॉन वाई को आप उसका तो सोल्यूशन है वो ये है कि एक्चुअल में ये होता है कि ई रेस टू द पावर, ई रेस टू द पावर क्यू ऑफ वाई डॉट डी वाई होता है, सही, क्यू ऑफ वाई डॉट डी वाई, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बताओ कि क्यू ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ रही है, ई टू दी पावर आ रही है माइनस के टू अपॉन वाई डॉट डी वाई, बेटा ऐसी आ रही है। इसके मायने क्या हुए कि आपने माइनस टू को उठा के बाहर फेंक दिया, माइनस टू बाहर आ गया, डी वाई अपॉन वाई इंटीग्रल इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस के टू एल एन वाई, सही, ऐसा ही है। ये आपके पास ऊपर चला जाएगा, ये टू ऊपर चला जाएगा, ये पूरे माइनस के साथ ये पावर ऊपर चली जाएगी, यानी कि e टू दी पावर y की पावर आपके पास हो गई, यहाँ ln भी आएगा माइनस के टू। अच्छा, अब एक्सपोनेंशियल और ln एक दूसरे के जाने दुश्मन है, एक्सपोनेंशियल और ln जब एक दूसरे के आमने सामने ऐसे आ जाते हैं तो जवाब आता है बॉक्स। तो इसके माने ये हुए कि e टू दी पावर ln y की पावर माइनस टू, तो ये ln कट जाएगा हमारे पास, यानी कि y की पावर माइनस टू जवाब आएगा, यानी 1 अपॉन y स्क्वायर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, वो ये आया। इसका मतलब इस सवाल के अंदर ये लफ्ज कम है, अगर ये लफ्ज इस सवाल में मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी। अगर ये, इसका मतलब क्या है कि अगर इसको मल्टीप्लाई कर दी जाए इस सवाल के साथ इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी, इसका मतलब कमी मौजूद है। अब हमने क्या किया, 1 अपॉन y से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दी, हमने लिखा 1 अपॉन y स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस के वाई डॉट डी एक्स माइनस के, मैं स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा हूँ, x डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। बेटा अब बताओ आगे क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा एक्स वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स माइनस के एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा, और यहाँ पर हो गया डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके बेटा, अब यहाँ पर वाई स्क्वायर कट गया, वाई से ये वाली वैल्यू कट गई। हमारे पास जो नया सवाल बन के सामने आया है जिसमें कोई एरर नहीं था, वो था x प्लस के 1 अपॉन y डॉट डी एक्स माइनस के x अपॉन वाई स्क्वायर डॉट डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, अब ये हमें सवाल जो है ये बताएगा इट बिकम एग्जैक्ट, अब ये सवाल हमें बताएगा इट बिकम एग्जैक्ट। बेटा यहाँ तक लिख लो, फिर मैं मिटाना पड़ेगा मुझे। बेटा अच्छे लिख लिया आप लोगों ने,
ओके बेटा चले आगे। आगे चले बेटा, आगे चले। अच्छा बच्चे, तो हमने क्या किया, अब ये वाले पॉइंट जो है हमने डिलीट किया। अब जो नया सवाल जो बन के आया है ना, जिसमें एरर नहीं है, वो सवाल आपके पास क्या है, x प्लस वन अपॉन वाई पार्ट वन डी एक्स माइनस के एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डॉट डी वाई। ये हमारे पास एक नया सवाल बन के सामने आया है, हमारे पास क्या है, ये नया सवाल बन के ये सामने आया है और अब हम इसे सॉल्व करें। तो अब हमारे पास m क्या है, हमारे पास ये m है, ये हमारे पास क्या है, ये n है। हम इसको चेक करने के लिए देखते हैं कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। ये हम चेक कर रहे हैं इसको कि एग्जैक्ट है या नहीं है, हम इसको चेक कर रहे हैं एग्जैक्ट यस और नो। तो हमने क्या किया, इसको सबसे पहले हमने m ले लिया, तो m डावा m अपॉन डावा वाई इक्वल टू डावा n अपॉन डावा x। अब बोलो बेटा मैं क्या लिखूँ। ओके, तो हमने लिखा डावा अपॉन डावा वाई इक्वल टू, उसके ब्रैकेट आ गए हमारे पास, अब ब्रैकेट के अंदर आ गए यहाँ पे x, यहाँ पर आ गया प्लस वन अपॉन y इज इक्वल टू डावा अपॉन डावा x, और ब्रैकेट में आ गया हमारे पास x अपॉन y स्क्वायर। सही है। अब मुझे बताइए, जब x के हिसाब से चलाएंगे डावा y, तो जवाब क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हमारे पास पहला जवाब आएगा जीरो प्लस, अब ये जब y के हिसाब से लेके जाएंगे तो ये होगा y की पावर माइनस के वन डावा अपॉन डावा वाई इक्वल टू, जब डावा x के हिसाब से लेंगे इसे तो आपके पास हो जाएगा वन अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, वाई वन अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा डावा x अपॉन डावा x जो कि वन होगा। ठीक है, हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी। अच्छा, यहाँ पे हमने एक गड़बड़ ये की है कि यहाँ पे माइनस आएगा, ये रहा माइनस, ये माइनस वहाँ पर सवाल के अंदर माइनस मौजूद है, ये रहा माइनस, हमने यहाँ वापस आ जाएंगे ये माइनस। अब जब उसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के वन अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के वन अपॉन वाई स्क्वायर। अब ये सवाल बन गया एग्जैक्ट, अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बन गया ये सवाल एग्जैक्ट। बेटा यहाँ पर लिख लो, फिर मैं ये वाला मिटाऊंगा। बेटा जी यहाँ पर लिख लो, मैं ये वाला मिटाऊंगा, मिटा दो, मिटा देता हूँ, क्योंकि टाइम तो ख़त्म होने पर आ गया तकरीबन क्लास का, जवाब बस जवाब ही आने का। ठीक है बेटा, अब हमारे पास अब सवाल जवाब हमने तकरीबन आने वाला जवाब हमारे पास, हम क्या करें एम डी एक्स प्लस एम डी वाई। हम निकालेंगे पहले एम डी एक्स इंटीग्रल। अब एम क्या है बेटा बता दो ज़रा मुझे, हमारे पास एम है एक्स प्लस वन अपॉन वाई डॉट डी एक्स। ओके, ये हमारे पास एम डी एक्स है, जवाब बताओ क्या आएगा हमारे पास, एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रल प्लस वन अपॉन वाई यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आ गया डी एक्स। अब बेटा जवाब क्या आया हमारे पास, ये जवाब आया एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस सी वन। अब बताओ एन डी वाई क्या होगा, एन डी वाई होगा हमारे पास कितना, ये है माइनस के एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डॉट डी वाई। ठीक है, अब मेरा बेटा बताओ इसमें क्या लिखूँ, मैं लिखूँगा यहाँ पर एन डी वाई इज इक्वल टू, अब एक्स उठा के बाद लिखूँगा, मैं एक्स उठा के बाद लिख दूँगा वाई की पावर माइनस टू डॉट डी वाई, माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। सही, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू, ये हो गया प्लस एक्स अपॉन वाई
प्लस ऑफ सी टू, ठीक है बेटा, ये वहाँ पर एन डी वाई आ गया, तो वहाँ फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, यूनिन कर देंगे इसको, तो हम क्या करेंगे ए वन, ये हमारे पास क्या है, ये ए वन, ये हमारे पास क्या है ए टू, इन दोनों को यूनियन कर देते, तो आंसर इज इक्वल टू ए वन यूनियन ऑफ ए टू। अब जवाब क्या हो रहा है हमारे पास, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स अपॉन वाई और प्लस के सी, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आप ये देखिए कि हमारे पास ये आंसर हमारे पास मौजूद है इस इक्वेशन का। सवाल ये था, इस सवाल को हमने सही किया, सही करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बन गया एग्जैक्ट, एग्जैक्ट तो हमने चेक किया बिल्कुल सही था, इसने कहा हाँ ये आपका जवाब, सवाल आपने सही कर लिया बिल्कुल, और एग्जैक्ट कर लेने के बाद हमने इसका जवाब ये निकाला। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक हम इसको कर रहे हैं, हम छुट्टी कर रहे हैं, ओके 6:02 हो गए, ओके अल्लाह हाफिज़, खुशी बेस्ट ऑफ लक, मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूँगा। ओके बेटा, कोई सवाल तो नहीं है, कोई सवाल तो नहीं है, अच्छा बेटा लिख दो, तो बेटा मैं नुमान आपका इंतज़ार करूँगा, नुमान माजिद हो गया और सलमान हो गए, आपकी नातें जो है मैं उनका वेट करूँगा, और मैं चाहूँगा पश्तों में आए, आपकी मुकामी लैंग्वेज में आपको नात में पढ़े, और मुझे रात 11 बजे भेजने, 12 बजे सुबह तक भेजने, कोई मसला नहीं, ठीक है बेटा, हाँ सुबह तक भेजने, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। और देखिए इसमें हैं, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हल्की आ रही है मुझे, नहीं नहीं बेटा ऐसा तो फिर हमारे पास तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है ना नुमान, आप ये देखिए कि आपकी आवाज़ बंधी हुई आवाज़ है, देखिए मेरी आवाज़ फट रही है, मेरी आवाज़ जो है एक साथ 3-4 आवाज़ें साथ निकल रही हैं, ये ख़राब आवाज़ होती है, आपकी आवाज़ एक वक्त में एक ही आवाज़ निकलती है, ये क्वालिटी है।